हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज अचानक ही एक नई चीज़ दिख गई तो वो दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली बारिश ख़त्म हो गई है तो अब धूप बहुत तेज़ निकलेगी, और जो ये अचानक से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, अचानक से टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, मेलीबग्स का और इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, पेस्ट बहुत लगते हैं। तो अभी मैंने टोकरियाँ बनाई 3-4, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हैंगिंग बास्केट बनाई मैंने, 5-6 गमले भी भरे। तो एक जब मैं भर रही थी सिर्फ एक ही प्लांट में मुझे दिखी मेलीबग, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका इलाज क्विकेस्ट, सबसे बेस्ट तरीका जो बिल्कुल आसान और बहुत ही मतलब पलक झपकते असर करने वाला है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेलीबग होता है ये बहुत बारीक बारीक रुई जैसा होता है कीड़ा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें, और ये बहुत चिपचिपा सा होता है। और इसको ले जाने वाली जो होती हैं चींटियाँ होती हैं, इधर से उधर जो ले जाती है ना, कुछ मीठा सा इसमें सब्सटेंस होता है आई थिंक, तो चींटियाँ इसको इधर उधर ले जाती हैं। सिर्फ ये एक ही उसमें दिखा, एक ही पॉलीथीन बैग में जो लगा था, ये पर्सलिन उसमें ही था, और कुछ तो मैंने डालियाँ काट के भी निकाली है ना, लेकिन ये लगा नहीं, निकला नहीं। तो अब मुझे इसको करना ही पड़ेगा, और आज सारे प्लांट्स पे यही करूँगी मैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारा इन्फेस्टेड हो रखा है, दिख रहा है ना, ये चलते रहते हैं धीरे धीरे, और अब 3 बार होगा इनका, दिख रहे होंगे कुछ कीड़े तो आपको चलते हुए भी ना। और ये हिबिस्कस में, गार्डेनिया में, और मॉस रोज में, 9 o'clock में, पर्सलिन में, ये बहुत तेज़ी से होता है ना, तो इसको उसी टाइम ख़त्म करना चाहिए। ऐसे तो इसका ऑर्गेनिक तरीका भी है, नीम ऑयल और डिश वॉश 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के उसका घोल करके करें, लेकिन ये है कि मैं इसके लिए तो पर्पसली मैं केमिकल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा एक आध कीड़ा हो तब तो आपको नीम ऑयल और उससे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब देख रहे हैं आप इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका असर उसी टाइम ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स पे मतलब शाम तक ये सब में दिखने लगेगा, इतना फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि किस चीज़ से मैं करती हूँ। ऐसे में सारी मेरी पूरी गार्डनिंग जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, बिल्कुल यूज़ नहीं करती मैं केमिकल, लेकिन सिर्फ मेलीबग के लिए मुझे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए करने के लिए सबसे पहली ये चीज़ है, ये इमिडाक्लोप्रिड है, आपको दिख रही होगी इसमें, ये मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। ये कई नामों से आती है, इमाडोर, कमांडो या और कोई भी नाम, लेकिन आपको इसका केमिकल देखना चाहिए, इमिडाक्लोप्रिड है ना। तो ये 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के और फिर स्प्रे करेंगे हम, ठीक है। तो ये है 1 लीटर पानी, और इसमें मैं इसमें 2 ml डालती हूँ, इसमें 2 ml डाल दिया है। जितने भी पेस्ट होते हैं ना, मेलीबग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। अब जैसे इसमें दिख रहा है ये तो अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा आपको दिखती है इन्फेक्टेड ना आपका प्लांट, तो अच्छा रहे आप उस प्लांट को उखाड़ के दूर फेंक दीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसको भरते हैं ना तो हमेशा इसमें ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़िए, क्योंकि जब आप इसमें एयर प्रेस करते भरते हैं तो थोड़ी जगह तो हो ना एयर उसमें कलेक्ट होने के लिए। अगर आप पूरा ऊपर तक भर देंगे तो वो तो बॉटल बस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी पानी भरे थोड़ी जगह छोड़िए इसमें, ठीक है। और बस अब हम इसको अच्छे से स्प्रे कर देंगे, खूब अच्छे से। आपको मैं भी इसको दिखा करके और 10 मिनट में दिखाती हूँ, इसका असर तुरंत होता है, बिल्कुल इमीडिएट, जैसे कहते हैं ना पलक झपकते वाला। मुझे इसकी बड़ी फिक्र रहती है, इस चक्कर में मुझे पानी डालने में बहुत देर लगती है, क्योंकि वो एक एक प्लांट को, हिबिस्कस को, 10-12 हिबिस्कस हैं, और सबको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ता है कि किसी में है तो नहीं, क्योंकि अगर वो एक में हुआ तो बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंड्स 10 मिनट बाद मिलती हूँ, आप वैसे देखिए इसमें ये ना मर गए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, और आपको मैं दिखाऊं, देखिए अभी कोई भी कीड़ा सब दिख मर गए हैं जो थे इस पे से, अब ख़त्म हो गए सारे। आपको दिखाती हूँ मैं जो इन्फेक्टेड थे ना, जैसे देखिए ये निकाल के दिखाती हूँ,
ये नो मूवमेंट, मर गए सारे कीड़े, है ना। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स पे उसी टाइम कीजिए, सब छोड़ दीजिए सब काम। अभी मुझे कहीं जाना है वैसे 9:30, लेकिन अभी 9:05 हो चुके हैं। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, ऊपर आई थी, इन्हीं कामों में लग गई। और पहले सब थोड़ा लेट पहुंचूंगी, लेकिन ठीक है, मेरे ये तो निपट गया ना। और इस प्लांट को मैं बिल्कुल अलग रखूंगी, और 3 दिन बाद एक सेकेंड स्प्रे करूंगी, फिर उसके 3 दिन बाद थर्ड स्प्रे करेंगे, तब ये जाके मैं इसको समझूंगी कि अब ये मेरा क्लीन चिट मिल गई इसको। और ये जो इसका वेस्ट निकला था, इसको सारा इसको पॉलीथिन में भर के बिल्कुल अलग दूर फेंक कर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये इमिडाक्लोपिड को याद रखिएगा, मैलीबग का इलाज। वैसे एक सबको रखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े हट्टी से पेस्ट होते हैं जिनके लिए इमिडाक्लोपिड बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।